एक तरफ लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों को बेटों से कम मत समझो, तो दूसरी तरफ इसी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में महिला कॉलेज की छात्राओं को नो एंट्री है। और वाइस चांसलर वजह बताते हैं, क्योंकि लड़कियां आएंगी तो लड़के ज़्यादा आएंगे, इसलिए जगह नहीं बचेगी। वीसी जनरल जमीरुद्दीन शाह भारतीय सेना में रहे हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के भाई हैं। उसके बाद उनके ऐसे शब्द कई सवाल खड़े करते हैं, न सिर्फ एएमयू के नियम पर भी बल्कि वीसी की सोच पर भी। If we allow the girls, there'll be four times more boys coming to the library. सुना आपने, ये सोच हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक के वीसी की है। उस यूनिवर्सिटी के वीसी की जिसे 96 साल पहले 1920 में मुस्लिम समाज सुधारक सर सैयद अहमद ने शुरू किया था, और ये सोच कर शुरू किया था कि ये हिंदुस्तान के लोगों में नए समाज की सोच भरेगा, जिसका आधार होगी आधुनिक शिक्षा। लेकिन आज उसके करीब 100 साल बाद उन्हीं के बनाए विश्वविद्यालय के वीसी की रूढ़िवादी बातों ने बवाल मचा दिया है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मौलाना आजाद लाइब्रेरी में विमेन कॉलेज की लड़कियों को नो एंट्री है, और ये नो एंट्री आज की नहीं बल्कि शुरू से रही है। विमेन कॉलेज की लड़कियों के लिए अलग से लाइब्रेरी है जो छोटी है, वो उसी में किताबें पढ़ सकती हैं। इस नो एंट्री के पीछे तर्क ये है कि मौलाना आजाद लाइब्रेरी में बैठने की ज्यादा जगह नहीं है, और जगह कम होने के पीछे तर्क वीसी का ये है कि एक लड़की के पीछे कई लड़के आएंगे, इसीलिए जगह नहीं होगी। हालांकि वीसी अब अपनी बात से पलट रहे हैं। जो एक प्रॉब्लम है वो है कि अब्दुल्ला कॉलेज जो है 3 किलोमीटर दूर है मौलाना आजाद लाइब्रेरी से, उसमें आने जाने की बहुत दिक्कतें होती हैं बच्चों को, कई जो हैं मगर्स हैं, कई चेन स्नैचर्स हैं उस रास्ते में, उसका भी ध्यान हमें देना चाहिए। अब ये तर्क भी गले नहीं उतरता कि लड़कियों की सुरक्षा की वजह से ये फैसला लिया गया होगा। हैरानी ये होती है कि जिस विद्यालय का मोटो है इल्म सबको मिले, जिस संस्थान ने देश विदेश को बड़े बड़े विद्वान दिए, खान अब्दुल गफार खान से लेकर पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, एक्टर नसीरुद्दीन शाह से लेकर शायर बशीर बद्र तक, लेखक सादत हसन मंटो से लेकर गीतकार जावेद अख्तर तक यहीं से निकले, आज उसी संस्थान में इल्म के नाम पर भेदभाव करने वाले नियम बरकरार हैं। और उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि ऐसे नियमों को बचाने के लिए उठपटांग तर्कों का सिलसिला भी जारी है। आज तक ब्यूरो हल्ला बोल में आज का सवाल है, एएमयू लाइब्रेरी में वाइस चांसलर के बयान को क्या आप सही मानते हैं या गलत? हम चाहते हैं कि आप अपने जवाब हमें SMS के जरिए भेजें, और इस कार्यक्रम के दौरान हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या हमारे ज्यादातर दर्शक वाइस चांसलर से इत्तेफाक रखते हैं या उनकी मुखालफत करते हैं। तरीका बड़ा आसान है, 80 space Y 52424 पर आप हमें अपने जवाब भेजें। आप लगातार लाइव इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीधे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मौजूद हैं राहत अबरार, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता हैं। साथ के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अभिनेत्री नगमा, जो कि कांग्रेस की नेता भी हैं, मौलाना अंसार रजा, जो कि गालिब नवाज फाउंडेशन के प्रेजिडेंट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के, और शाइस्ता अंबर, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की। सबसे पहले मौलाना साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, आपको लगता है कि जो वाइस चांसलर ने कहा कि अगर लड़कियां लाइब्रेरी में आएंगी तो लड़के एक्साइटेड हो जाएंगे और उसके बाद वहां पे डिसिप्लिन का इशू बन जाएगा, क्या आपको लगता है कि जो वाइस चांसलर ने कहा ठीक है? नहीं, वाइस चांसलर साहब ने जो बात कही है कि एक लड़की आएगी तो उसके पीछे 4 लड़के आएंगे, जाहिर सी बात है उनके दिमाग में जो हिंदुस्तान का नक्शा इस वक्त है कि जरा जरा सी चीज़ पर किसी भी लड़की के ऊपर हमला हो जा रहा है, तरह तरह की बातें सामने आ रही, तो उनका सुरक्षा से मतलब है, उसके उनके बयान कोई कमाल की बात कर रहे हैं, मतलब लाइब्रेरी के अंदर अगर लड़की आती है तो वो सुरक्षित नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। कमाल की बात तो यही है, शर्म की बात नहीं है ये? बिल्कुल नहीं, क्यों शर्म की बात है भाई? कमाल की बात कर रहे हैं, आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, वहां पे किताबें हैं, पूरे हिंदुस्तान टीचर बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है? राहुल साहब, खाली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ना देखिए, हिंदुस्तान की जितनी यूनिवर्सिटियां हैं आप देख लीजिए, हम लोगों के सामने वाकयात नहीं आते हैं, कैसे कैसे वाकयात हो जाते हैं। सर, किसी सड़क में जब अंधेरा हो वहां पे आप कहें कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो मैं फिर भी एक सेकंड के लिए मानने को तैयार हूं। आप मुझे बता रहे हैं कि दुनिया देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में महिला सुरक्षित नहीं है, ऐसे में तो वाइस चांसलर को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। होगा वीसी को जो उन्होंने कहा है,
कोई ना कोई डर सता रहा है। अरे तो फिर उनकी नाकामी है ये कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते। मैंने अभी दोपहर में भी मैं आपके चैनल पे था तो मैंने एक बात कही थी कि लड़कियों को आप तालीम से नहीं रोक सकते, आप उसी में इंतजाम कीजिए लड़कियों को, लेकिन सुरक्षा के साथ। कमाल की बात है कि लाइब्रेरी के अंदर वाइस चांसलर साहब को लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। राहत अबरार साहब, मुझे लगता है कि आपका फौरन इस्तीफा होना चाहिए, आपके वाइस चांसलर का भी, कि अगर उन्हें लगता है कि उनकी लाइब्रेरी के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्पोक्स पर्सन हैं, क्या महिलाएं वहां पर सुरक्षित नहीं है? राहत अबरार साहब जी, मौका दी। अबरार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आपके वाइस चांसलर कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसे में तो मुझे लगता है कि वाइस चांसलर का फौरन इस्तीफा होना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हुजूर, किससे कहा? यही तो बयान है आपके वाइस चांसलर का, ऐसा नहीं कि है। हम नहीं चाहते कि महिलाएं आएं, क्योंकि महिलाएं आएंगी, एक सेकंड, महिलाएं आएंगी तो उनके साथ चार लड़के आएंगे, चार लड़के आएंगे तो लड़के वहां पे बवाल मचाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा का ठिकाना नहीं। आपकी लाइब्रेरी के अंदर आप महिलाओं की हिफाजत नहीं कर सकते? एक सेकंड, आप मुझे एक सेकंड का वक्त देंगे? बोलिए बोलिए। किससे कहा? बिल्कुल गलत बात है, ये सब झूठी और अफवाह फैलाई जा रही है, यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब 1920 में कायम हुई तो इसका चांसलर पहला जो था वो खातून थी, उनका नाम सुल्तान जहां बेगम था। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 35% से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ती हैं, और जो लाइब्रेरी जिसका आप हवाला दे रहे हैं उसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल कोर्सेज की लड़कियाँ, रिसर्च स्कॉलर्स बड़ी तादाद में जाती हैं, और एक उनकी तादाद लड़कियों की लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। नहीं तो विमेंस कॉलेज में लड़कियों के आने पे आपके वाइस चांसलर को परहेज क्यों है? क्यों नहीं आप आज तक पर कहते कि कल सुबह से विमेंस कॉलेज की तमाम लड़कियां मौलाना आजाद लाइब्रेरी में आ सकती हैं? बताइए आप। आप सुन तो लीजिए, पहली बात तो ये कि आपको मालूम है विमेंस कॉलेज और मौलाना आजाद लाइब्रेरी में कितना फासला है? 3 किलोमीटर का फासला है, कैंपस से बाहर है। दूसरा ये कि ये लाइब्रेरी हमारी सुबह 8 बजे से रात के 2 बजे तक खुलती है। 2 बजे तक लड़कियों के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, वो किस तरह से उसमें जाएंगी? अरे जनाब, अगर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी तैयार करना। अबरार साहब, अगर वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी, अबरार साहब, अगर वहां पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो आपकी यूनिवर्सिटी को ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कहें कि महिलाएं आ नहीं सकती। अब यूनिवर्सिटी वहाँ ट्रांसपोर्ट अलाउ करा रही है, बसेस खरीद ली गई हैं, और हमारे प्लानिंग में यह है कि लड़कियों को जैसे ही हमारे पास फैसिलिटी हो जाएगी वो लड़कियाँ भी आ सकती हैं। कोई लड़कियों पर पाबंदी नहीं है किसी तरह की, किसी भी जगह पर। यहाँ तो लड़कियों को बहुत सबसे ज़्यादा सेफ समझा जाता है, सबसे ज़्यादा एम्पावरमेंट जो है लड़कियों का है। और वाइस चांसलर ने तो अपनी तकरीर में जिस वक्त इंस्टॉलेशन कल हुआ है उन्होंने 2 ही बातें कही कि मैं चाहता हूँ कि फीमेल एजुकेशन प्रमोट हो और लड़कियों को एम्पावरमेंट। नहीं, क्योंकि उनका बयान था कि एक लड़की आएगी। अबरार साहब, आप भूल रहे हैं बयान क्या था। बयान था कि एक लड़की आएगी तो 4 गुना लड़के आएंगे, ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाएगी डिसिप्लिन को लेकर। मतलब ये एक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का ये बयान है। कमाल की स्थिति है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है कि रात के 2 बजे तक लड़कियां हॉस्टल से शाइस्ता अंबर के पास में जाना चाहता हूं, लाइब्रेरी में नहीं जा सकती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता कहते हैं शाइस्ता कि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की तकलीफ है। रात की 2 बजे अगर लड़कियां लाइब्रेरी से निकलेंगी, लाइब्रेरी 2 बजे तक खुली रहती है रात में, तो आखिरकार वापस कैसे जाएंगी? विमेंस कॉलेज 3 किलोमीटर दूर है। क्या आपको लगता है कि प्रवक्ता और उनके वाइस चांसलर अब बहाने खोज रहे हैं, गलत बयान देने के बाद अब बचने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको लगता है कि जो उनका ओरिजिनल बयान है कि वहां पर लड़कियों को नहीं आने देना चाहिए वो सही है? शायस्ता अंबर, हमारे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इतने बड़े सुरक्षा के अधिकारी, देश की सुरक्षा के अधिकारी, उनको पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, और इतने बड़े विश्वविख्यात पूरे आलमी शोहरत याफ्ता ये यूनिवर्सिटी है, और हम सब लोगों के लिए बात से फख्र है। और ये वाइस चांसलर जब आए थे तो हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही थी कि इतनी अच्छे मिजाज और देश के सुरक्षा डिफेंस में रहने हुए अधिकारी आकर के वाइस चांसलर होंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को उदारवादी और बहुत बड़ी सोच के मिलेंगे। लेकिन आपको चाहिए था
कि इस तरह के सीसी कैमरे लगाने चाहिए ताकि अगर कोई भी ऐसा कोई काम कर रहा हो तो फौरन, आखिर छोटी छोटी दुकानों में लोग तो सीसी कैमरा लगाते हैं। सही कह रही हैं आप मौलाना अंसार रजा, आप जवाब दीजिए, अगर सुरक्षा की कमी है तो सुरक्षा की जो समस्या है उसका समाधान खोजिए, ये थोड़ी कि आप महिलाओं को बोलेंगे कि आप नहीं आ सकते। मैंने शुरू में भी यही बात कही है कि लड़कियों के आने पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, उन्हें तालीम का हक मिलना चाहिए लेकिन सुरक्षा के साथ। नहीं तो आपको नहीं लगता कि वाइस चांसलर की जिम्मेदारी है सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तो फिर इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए उन्होंने अपने बयान का खंडन कर दिया है, दोपहर का बयान आप उनका देखिए, उन्होंने कहा कि मेरे जुमलों को गलत नजरिए से लिया गया है। वाइस चांसलर साहब कहीं से भी गलत नहीं, मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। उस इशू को इस अंदाज से रखा गया है, लड़कियों को तालीम मिलनी चाहिए हर हाल में। अरे आप लाइब्रेरी में आने नहीं देंगे, पढ़ने नहीं देंगे तो क्या उनको तालीम मिलेगी? उन्हें क्यों नहीं हक होना चाहिए मौलाना आजाद लाइब्रेरी? अरे तो सर आप किताब इशू कर सकते, कभी गए हैं आप लाइब्रेरी? किताब आप इशू कर सकते हैं, किताब इशू करके आप अपने हॉस्टल में जाके पढ़ सकते हैं, ये भी तरीका है, वहां पर बैठना जरूरी नहीं है। नगमा आपको लगता है कि अगर वाकई में वाइस चांसलर इस समस्या का समाधान खोजना चाहते हैं तो समस्या का समाधान निकल सकता है, बजाय इसके कि वो इस तरह के बयान देते फिरें कि महिलाएं आएंगी तो लड़के एक्साइटेड हो जाएंगे, क्या बात? देखिए मुझे सबसे पहले ऐसा लगता है कि पहले तो ऐसे पोजीशंस में ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए जिनकी ख्यालात इतने पिछड़े हैं, और वैसे ही लड़कियों को और मुस्लिम लड़कियों को और उनकी तालीम को लेके इतने सारे प्रश्न चिन्ह हैं, उनके तालीम को लेके आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए, न कि ये बात लानी चाहिए। जब को एजुकेशन है, लड़कियाँ लड़के दोनों पढ़ाई करने साथ में जाते हैं, तो वर्स्ट कम टू वर्स्ट बदतर पोजीशन में भी उनको ऐसे कोई स्टैंड लेना चाहिए जाके चलो अगर ये लोग साथ में नहीं जा सकते हैं तो फिर अलग अलग लाइब्रेरी के सेक्शन किए जाएं, लेकिन उनकी लाइब्रेरी में जाना उनका बिल्कुल रोक देना मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। आप ये बताइए क्या स्मृति ईरानी का एक बयान आया, एचआरडी मंत्री कहती हैं कि वो नोटिस दे रही हैं वाइस चांसलर को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नोटिस ही देंगी, या जो महिलाएं इस वक्त देख रही हैं अलीगढ़ में और देश भर में उनकी मदद के लिए आप लोग कुछ करेंगे भी? नोटिस और उन्होंने रिपोर्ट भी मांगा है, और राहुल जी मैं यहाँ स्पष्ट कहूँ, लाइब्रेरी में बच्चे करते क्या है? क्या वो वहाँ बातचीत करने के लिए जाते हैं या पढ़ने के लिए? और जो यहाँ उनके पीआरओ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर दूर है इसलिए बहुत दिक्कत होती है, उनको पहले मैं समझा दूँ कि 21वीं सदी में महिला रात को भी काम करना चाहती है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना चाहती है तो वो कर सकती है। और जो आप इतने रिग्रेसिव हैं आपके माइंडसेट में, तो एक प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी के हकदार नहीं हैं आप। जो एक महिला को एक मौका मिल रहा है पढ़ने के लिए उसके ऊपर आप पाबंदी करना चाहते हैं, और ये भी सुरक्षा को एक एग्जाम्पल को लेके ये कहना कि वो सुरक्षित नहीं है इसलिए उसको पढ़ना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि 21वीं सदी के वाइस चांसलर कहते हैं कि एक लड़की आएगी तो साथ के साथ 4 लड़के आएंगे, वाइस चांसलर की सोच आखिरकार क्या है? वो कैसे मान सकते हैं कि लड़के आएंगी तो फसाद होगा? इस पर हमारा ये खास कार्यक्रम जारी रहेगा, आप देखते रहिए आज तक, हम लौट रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, और ब्रेक पर जाने से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता ने यह कहा कि वाइस चांसलर साहब ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं, मीडिया अपनी मर्जी से गलत बयान चला रहा है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार वाइस चांसलर साहब का वो बयान हमारे दर्शक एक बार फिर सुन लें। If we allow the girls, there'll be 4 times more boys coming to the library. जोरदार तालियां बज रही हैं। वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि लड़कियां आएंगी तो 4 गुना लड़के आएंगे। राहत अब्रार साहब, आप इनकार नहीं कर सकते कि वाइस चांसलर ने यह बयान दिया, अब मैं जानना चाहता हूं कि क्यों दिया, और वाइस चांसलर की सोच के बारे में क्या दर्शाता है कि वाइस चांसलर ये सोचते हैं कि एक लड़की आएगी तो 4 लड़के साथ में आएंगे? वाइस चांसलर की सोच बहुत क्लियर है, वो चाहते हैं कि लड़की तालीम हासिल करें और वीमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाए, और अलीगढ़ जो है वो लड़कियां यहाँ पर मेडल हासिल करने वालों की तादाद भी ज्यादा होती है। जनाब मेरे जवाब, मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे, उसमें मैं कह रहा हूं कि आपके वाइस चांसलर कहते हैं कि एक लड़की आएगी तो 4 लड़के साथ में आएंगे, कहीं ना कहीं ये जो बयान है वाकई में निंदनीय है। वो नहीं दिया, उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर ने, आपने बयान पूरा देखा नहीं है, वाइस चांसलर ने कहा कि अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अब हम बेटर कर रहे हैं,
तो हम इस पे कंसीडर करेंगे। जनाब जो बयान उनका था वो हमने चलाया, वो क्या कहना चाहते थे वो मुझे नहीं मालूम, जो बयान था वो कहा वो हमने चलाया। आप क्यों नहीं कहते सीधे सीधे प्रवक्ता साहब, अब्रार साहब, आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि वाइस चांसलर का बयान गलत है? आप बोलिए कि आपके बॉस ने जो कहा वो गलत है। बिल्कुल नहीं, मैं मौजूद था उस फंक्शन में, सारे मीडिया के लोग मौजूद थे, और अखबारों की आप रिपोर्ट देखिए, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान और सारे अखबार जो वहाँ मौजूद थे, वो मेरे दोस्त नहीं थे, मेरे कोई वो नहीं थे, उन्होंने जो रिपोर्ट किया है उस पर आप भरोसा कीजिए। अगर आप मीडिया के आदमी उसकी रिपोर्ट को पढ़िए। आपके वाइस चांसलर इस वक्त हमारे साथ सैयद मसूल हसन भी हैं, जो कि वाइस चांसलर, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट है स्टूडेंट्स यूनियन के। हसन साहब ये बताइए कि आपके हिसाब से, चलिए मेरे को एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और हल्ला बोल में इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त